अगर पानी की तरह पैसा हाथ में नहीं रहता तो जल्द अपनाएं ये वास्तु टिप्स। आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, बावजूद इसके उनकी जिंदगी में आर्थिक तंगी बनी रहती है। पैसा का आगमन तो होता है लेकिन टिकता नहीं है, इसके लिए वे तमाम तरह के उपाय करते हैं लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन खुशहाली बनाए रखने के लिए कुछ खास बातों का पालन करना जरूरी होता है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में इस समस्या को दूर करने के उपाय बताए गए हैं। आज हम आपको वास्तु और ज्योतिष के अनुसार उपाय को बताने जा रहे हैं जिसको अपनाकर आर्थिक तंगी को दूर किया जा सकता है। एक, उत्तर दिशा में फाउंटेन रखना आर्थिक रूप से लाभकारी होता है। घर के मुख्य द्वार के सामने दूसरा द्वार बनवाने से बचे, इससे धन संचय नहीं हो पाता। दो, सबसे पहले तो अगर घर या दुकान में हमेशा मकड़ी के जाल लगे रहते हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें और आगे से साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। तीन, साथ ही अगर घर या दुकान की दीवारों पर निशान पड़ गए हैं या उसकी पपड़ी उतरने लगी है तो उसे जल्दी ठीक करवा ले, इससे आपको धन से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। चार, घर दुकान में लगे पौधों पर अगर सूखी पत्तियां नजर आए तो उन्हें तुरंत ही काट दें, वरना आपके घर में आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती है। पाँच, इसके अलावा घर या दुकान में या आसपास कहीं चमगादड़ का डेरा हो तो ये बहुत ही अशुभ होता है। ये खर्च और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनता है। छह, वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा धन आगमन की दिशा होती है और अगर इस दिशा में भारी सामान रखा हो या इस जगह पर बहुत गंदगी रहती हो तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, घर में धन आगमन की गति धीमी हो जाती है। सात, उत्तर पूर्व दिशा में अगर हर समय अंधेरा रहता हो तो परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकता है, इसलिए इस दिशा में हमेशा उजाला होना चाहिए। आठ, ऐसे ही दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में दरवाजा या तिजोरी रखना पैसों और आयु की हानि करने वाला होता है। नौ, वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि घर के पूजा घर में कमल गट्टे की माला रखने से धन की दुर्बलता दूर होती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद घर के सदस्यों पर बना रहता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर आर्थिक तंगी लगातार बनी रहे तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में किसी बर्तन में नमक रखें और उसे समय समय पर बदलते रहें। दस, घर में भूलकर भी कांटेदार पौधे न लगाएं। ज्योतिष शास्त्र में इसे अशुभ माना गया है, ये घर में बरकत नहीं होने देता है। 11, अगर बात वास्तु टिप्स की करें तो घर की उत्तर दिशा में मेटल का कछुआ रखें, इससे घर में सकारात्मकता का संचार होता है। बता दें कि कछुआ को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। 12, बहुत से लोगों को अपने पर्स में ढेर सारी पुराने बिल, गैर जरूरी कागज या तमाम तरह के सामान आदि रखने की आदत होती है। वास्तु में धन स्थान पर किसी भी प्रकार की गंदगी को बहुत बड़ा दोष माना गया है, जिसे धन स्थान पर बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए। वास्तु के अनुसार कोई व्यक्ति यदि धन स्थान जैसे तिजोरी या पर्स आदि में गैर जरूरी चीज रखता है तो वहां से धन की देवी लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं। 13, वास्तु के अनुसार जो लोग अपने पर्स और उसमें रखे पैसे को अपवित्र हाथों से छूते हैं उनके पर्स में कभी पैसा नहीं टिकता है और वह तमाम कोशिशें के बाद भी खाली ही रहता है। शौच के बाद कभी भी बगैर हाथ धोए पर्स को स्पर्श नहीं करना चाहिए। 14, वास्तु के अनुसार पर्स के भीतर सिक्के और नोट को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए, ऐसे में भूलकर भी सिक्के और नोट पर्स के एक ही खाने में ना रखें। 15, झाड़ू को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इसे हमेशा छुपा कर रखना चाहिए जिससे किसी बाहरी व्यक्ति की नजर झाड़ू पर ना पड़े। 16, वास्तु के अनुसार पर्स में कभी भी कटे फटे नोट, नुकीली या धारदार चीज, हैंड वॉश आदि नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार यह सभी चीजें नेगेटिव एनर्जी पैदा करती हैं।
जिससे धन का आगमन रुक जाता है और उसे धन हानि का सामना करना पड़ता है। 17. बहुत से लोग अपने पस में दिवंगत गुरु, पिता, पति या पत्नी या फिर देवी देवताओं की तस्वीर रख लेते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना शुभ नहीं माना गया है। वास्तु के अनुसार जिन लोगों की चाह है उनका बटुआ हमेशा पैसों से भरा रहे, उन्हें भूल कर भी देवी देवता या दिवंगत लोगों की तस्वीर पस में नहीं रखना चाहिए। 18. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा अच्छे तरह मेंटेन रखना चाहिए। नियमित रूप से दरवाजे की सफाई करनी चाहिए और पेंट करना चाहिए। अगर आपके मेन गेट से किसी प्रकार की आवाज आती है तो उसे तुरंत सही करा ले। मान्यताओं के अनुसार इससे आपको धन की हानि हो सकती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।